फिल्म बना रहे ना। हाँ मैं फिल्म बना के डाल दो यूट्यूब पे। हाँ डाल दो। वाह ऑसम यार ऑसम। उधर जाना है भाई 100 मीटर। अरे भैया इधर से रास्ता है क्या अंदर? इधर से उठ के सकते। स्वागत है भाई मेचुका की गलियों में आपका। अभी एक्सप्लोर करते हैं मेचुका को कुछ। कल भाई लोग मिले थे, उन्होंने कहा था कि आएंगे सुबह, वो तो नहीं आए, बट चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे कोशिश रहेगी गुरुद्वारा दिखाऊँ आपको। गुरुद्वारा लगभग यहाँ से 11-12 किलोमीटर है, बट रास्ता मेरे को पता नहीं। देखते हैं आगे चलते हैं। ये कुछ अंदर सिटी का नज़ारा है था, और मेन रोड की तरफ चलते हैं अभी। सबसे बढ़िया चीज़ तो गाइस मुझे यहाँ पे ये लगी, देखो हर तरफ लेक लगे हुए हैं दोनों तरफ, और काफ़ी मतलब बढ़िया लगते हैं। पूरी सिटी की शान हो जाती है, मतलब ये फ्लेग जब उड़ते हैं ना बढ़िया लगते हैं एकदम। उन पर कुछ कुछ मतलब बना हुआ भी है बुद्धिस्ट। ये देखो पूरी सिटी में दिख जाएंगे आपको हर तरफ ये। तो अभी हूँ भाई मैं मेचुका के मेन सेंटर पे, सर्कल पे आगे खड़ा हूँ। इस तरफ है अपना आलो का रास्ता जिस तरफ से मैं आया हूँ। आई थिंक मुझे सामने की तरफ जाना है, इस तरफ है गुरुद्वारा और ये मेन सर्कल पॉइंट है। पीछे की तरफ पुलिस स्टेशन भी है और कुछ शॉप वगैरह भी बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, देखो ऊपर पीछे की तरफ पहाड़ है मेचुका वाला वो रहा। भाई मेन लोकेशन से मतलब मेन चौक जो बताया मैंने अभी, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर बता रहे हैं। पीछे की तरफ रास्ता कटता है, यहाँ से आधा टर्न होते हुए सीधा 15 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। कोई ट्रक दिख तो रहा है उधर से आ रहा है, जब आ रहा है तो आई थिंक जाता भी होगा। देखते हैं आगे। पहले गुरुद्वारा आएगा फिर आएगा मंदिर। कहीं दिनों बाद आज वेट निकाल के चल रहा हूँ पैदल, सामान रख के पूरा 27 kg। मैंने आपको बताया नहीं ना वेट, एक दिन मैंने किया था अभी 3-4 दिन पहले पूरा। फिल्म बना रहे ना। हाँ मैं फिल्म बना के डाल दो यूट्यूब पे। हाँ डाल दो। हिमा चंदन छिजों कहाँ से हो? ये फरकी बस्ती, ये लाइन में है फरकी बस्ती। क्या ले जा रहे हो आप? माँ को हम नीचे भेज रहे हैं। और क्या है इसमें? ये सामान है ना, सामान खाने पीने के लिए। खाने पीने का? हाँ खाने पीने सामान। सिटी में बेचोगे? आलू भेजेगा, आलू। अच्छा ईटानगर? हाँ ईटानगर में भेज रहे हैं। हाँ तो भाई मैं ये बोल रहा था कि कई दिनों बाद खाली गंदे चल रहे हैं, पूरा बैग उठा उठा के। मैंने एक दिन वेट किया था अभी 4-5 दिन पहले, 27 kg है बड़ा वाला, 23 छोटा वाला 4। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे तो मेरे को लगता है 50 किलोमीटर भी चले जाऊँगा। वो ट्रैक्टर आ रहा है, देखो कहाँ तक ले जाएगा, कभी ले जाएगा। तो खूबसूरत जगह है ये, इधर से होम स्टे बने, इधर शायद BSF या आर्मी है। देखो भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हो रहे, बढ़िया वाले एकदम। वो देखो भेड़िया मूवी वाले पेड़ है वो, जो ज़ीरो में थे, वो ज़ीरो में शूटिंग हुई थी, पता नहीं कहाँ हुई थी, बट यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। देखो गंजे गंजे पहाड़ इधर, पीछे की तरफ नदी भी है, थोड़ी सूखी हुई है, थोड़ा थोड़ा पानी है, बट अच्छा है। जंगल के बाद इतना अच्छा मतलब टाउन बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है इधर। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो, बट मज़ा आ गया, तवांग से भी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को इस तरफ।
और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर है इस तरफ भी। मौसम अच्छा है, तवांग इतना ठंडा नहीं है, नॉर्मल मेरे को लगता है 8-10 के आसपास होगा रात में टेम्परेचर। देखो भाई नज़ारे, अद्भुत नज़ारे। लगभग 3 किलोमीटर आया हूँ जी। हाँ हाँ, नीचे रिवर देखो, अब खूबसूरत पहाड़, पूरा क्लीन पानी आया है। देखो वाह, ऑसम यार, ऑसम। इंडिया में भी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, आप आए तो आई तो सही। सब कुछ फॉरेन में नहीं है, इंडिया में भी है काफ़ी अच्छा। इधर बैठने का व्यवस्था बना रखा है इधर इस तरफ। कोई नहीं है भाई जंगल में, न बंदा ना बंदे की जात, न कोई गाड़ी न कोई पैदल। पीछे की तरफ छोटे से कुछ घर घर बने हुए हैं, कुछ विलेज हैं, गाड़ियाँ ऊपर से 2-3 आई है, आसपास काम करने वाली है, सामान लेके आई, बट नीचे से कोई नहीं आ रही। कोई नहीं, चलते हैं, काफ़ी टाइम है आज, 11 बजा हुआ, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। कोई आएगी तो बैठेंगे, वरना 1-to-1 करके चलते हैं। तो भाई ये लोग जा रहे थे आलोंग बस्ती, बट ये यहाँ तक मेरे को 4 किलोमीटर तक इनने ड्रॉप कर दिया, मेरे को ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने। अभी यहाँ से जाना अंदर की तरफ तपोस्थान, और इस तरफ अपना गुरुद्वारा और हनुमान जी, और ये तपोस्थान है गुरु नानक जी का, जहाँ पर उन्होंने तप किया था जब वो इंडो चाइना बॉर्डर की तरफ, जब वो तिब्बत की यात्रा पर थे तब वो यहाँ पर आके उन्होंने तप किया था। तो इसको देखते हैं, इधर एक स्टोन भी है जिसको लकी स्टोन कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं उसका प्रोसेस क्या है, और फिर यहाँ से चलेंगे अपन गुरुद्वारे की तरफ। और आगे ही हनुमान के देखते हैं वो कुछ कैसे नज़ारे हैं। जो बोले सोनिहाल, सस्त्रीकाल। ऐसा है भाई कुछ रात का, उधर जाना है भाई 100 मीटर। खुफिया खुफिया रास्ते हैं भाई ऐसे जंगलों के बीच में, बट बढ़िया बनाते हैं ये लोग, झंडे अच्छे लगते हैं मेरे को इनके, फ्लैग वगैरह जो रहते हैं। वे तपोस्थान नीचे है, ठीक है, बंद है क्या? बंद है। इस तरफ क्या है? अच्छा ये है भाई लकी स्टोन, इस तरफ देखते हम चलते हैं। आज अपनी किस्मत आजमाते हैं, लकी पत्थर निकालते हैं यहाँ से, क्या है। ओहो खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब नीचे तो।
अरे भैया इधर से रास्ता है क्या अंदर? इधर से उठ भी सकते हैं। हाँ इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। हाँ अगर पीली में कोई साथ बनता हो तो उधर से कर सकते हैं। अगर पापी नहीं हो तो यहाँ से आप जा सकते हो कितना भी मोटा हो मर्जी में। अच्छा वहाँ से इधर ही निकलूंगा नीचे और यहाँ पे एक पॉट होल मिलेगा। अच्छा उसमें कुछ पत्थर रखे होंगे सादा काला, तीन बार उठाना है आपको। तीनों बार मतलब अगर सादा उठाया तीनों बार, सादा पत्थर और काला पत्थर है, तीनों बार सादा पत्थर उठाया तो मतलब आप पापी नहीं हो। एक बार काला पत्थर उठा लिया जैसे हम लोगों ने उठाया, काला थोड़ा थोड़ा पापी है। काला है, काला ये इधर है, इधर है। अच्छा चलो ओके। कितना बड़ा है, छोटा है? छोटा सा है, छोटा है, आपको देखने से पता चल जाएगा। चलो देखो, देखो भाई गुफा है, बोलते हैं इसमें से पापी रहेगा वो नहीं निकल पाएगा, मुझे पुण्य आत्मा होगी निकल जाएगी। देखते चलो हम में कितने कर्मकीर्ण हमके। अरे भाई आ गए आ गए आ गए, अरे भाई आ गए भाई, गुफा पार कर ली हमने। अद्भुत कुंड ढूंढना है, कुंड किधर है? अभी वो स्टोन उठाने वाला देखना है, उसमें कहते हैं कि जो ब्लैक पत्थर रहता है निकलता है तो तुम पापी हो, और वाइट निकलता है तो तुम मतलब पुण्य आत्मा हो। देखते हैं अभी निकालते हैं, वो ढूंढते हैं कहाँ है। तो आई थिंक ये है भाई, ये है वो कुंड, इसमें से निकालेंगे अपन। तीन बार तीन चांस मिलेंगे, कौन सा पत्थर निकलता है देखते हैं। ओ ग्रेट, पहली बार में वाइट, पहली बार में वाइट, वाह भाई वाह, हम तो एक बार में जंग जीत गए, मतलब हम पुण्य आत्मा है। देखो भाई ये है अपना लकी चांस, पहली बार में वाइट निकाला है मैंने, देखा मेरी किस्मत। गाइस फटाफट फॉलो कर लो, अब सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कितना लकी चांस मुंह में। देखो इतनी अच्छी जगह दिखा रहा हूँ आपको, तो आप आइए। तो भाई स्लीपरी रास्ते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कंजी कंजी जमा हुआ है, ध्यान से उतरें। यहाँ पे देखो ये स्टोन वाली जगह पे, यहाँ पे अभी भैया लोग कलकत्ता से आए हैं, देखो कौन गिर गया नीचे, एकदम स्लीपरी स्लीपरी था यहाँ पे, काई वाई लगा हुआ था भैया का, आप एकदम नीचे गिरा। देखते हैं यार ढूंढते हैं नीचे कोई आता है यहाँ का, रुकन बनना था। अदरवाइज पानी का बहाव तेज है ना, पता नहीं आगे भी जा सकता है, यहाँ होगा तो मिल जाएगा। तो भाई फ़ोन ढूंढा जा रहा है अभी, पता नहीं अंदर अगर यहाँ होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो निकल गया होगा तो फिर पता नहीं। आगे की तरफ वाटरफॉल है भाई, जैसे ही हम जाते हैं ना अपना लकी स्टोन से सामने की तरफ देखते हैं, रास्ता इस तरफ जा रहा है, उसके बाद चलते हैं। आ जा भाई वाटरफॉल, सुंदर नजारे हैं तो।
अपने इंडिया में क्या अद्भुत जगहें बनी हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है, खूबसूरत एक और नज़ारे। लकी स्टोन के ठीक ऊपर की तरफ है ये कुछ गुम्पा टाइप में, देख लेते हैं इसको। ये तो कोई कर रहे यहाँ, चलो देखते हैं क्या, बाकी अच्छा बना हुआ जो भी है। हाँ दीपक ही कुछ जल रहा है यहाँ पे, मेरे को लगता है यही है, यहाँ पे ही तप किया होगा। ऊपर की तरफ तो गुरुद्वारा है, वहाँ पे लंगर चलता है। और यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह है, कोई ना चलते हैं यहाँ से। अंदर से शायद दिया वगैरह भी लगा हुआ है ये सब कुछ। ये कुछ लिखा हुआ भाई यहाँ के बारे में, इसको पॉज करके पढ़ना आप लोग। तो अब यहाँ से चलते हैं अपना आगे है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा देखते हैं आगे की तरफ।